बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक रिडल को हल करने वाला हूं। इस तरह का कोई भी रिडल अगर आपके सामने आए तो आप इसको अलजबरा के रूल्स इस्तेमाल करके बआसानी जो है वो हल कर सकते हैं। तो इस रिडल को देखते हैं हम अलजबरा के तहत किस तरीके से हल करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो देखें आप, ये एक बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगल सी है ये, और साथ ये एक स्टार है, और ये एक इक्वेशन की शक्ल बनी हुई है, ठीक है। इस तरह ये नीचे भी दूसरी इक्वेशन है, ये टू इक्वेशंस का उसने राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, और थर्ड में उसने हमें राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड की है। स्टूडेंट देखें, अलजबरा को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे। ये देखें, मैंने जो बॉक्स है उसको नाम दे दिया है एक्स का, और जो स्टार है उसको नाम दे दिया है y का। अब लेट करने से क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। स्टूडेंट ये देखें, ये देखें, इसकी जगह पर आ गया x प्लस थ्री, और स्टार की जगह पे आ गया y इज इक्वल टू टेन। तो ये देखें, हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन। दूसरी क्या बन जाएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू। तो स्टूडेंट अब हम इन इक्वेशंस को हल करेंगे। ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो देखें अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। ये मैंने इनको ऐसे लिख लिया है, अरेंज कर लिया, दूसरी इक्वेशन को एक्स को पहले कर लिया, वाई को बाद में। तो ये देखें, एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, ठीक है, ये एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये प्लस वाला एक्स था, ये माइनस वाला एक्स था, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस थ्री वाई और प्लस वन वाई ये हो जाएगा 4y, और इधर से 10 प्लस 2 जो है वो हो जाएगा 12। तो 4y इज इक्वल 12, और जब हम इसको हल करेंगे ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि स्टार की वैल्यू आ चुकी है, जो कि निकली है 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है, ये जो हमारी इक्वेशंस बनी थी उनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये मैंने जो सिंपल वाली इक्वेशन थी, ये वाली y माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें मैंने वैल्यू पुट की है। देखें, y की जगह पे आ गया 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको अरेंज करके हल किया है तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो बॉक्स की वैल्यू थी वो 3 आ चुकी है, सॉरी बॉक्स नहीं, स्टार की वैल्यू, क्योंकि वो वायलेट किया हुआ था, ये देखें, और बॉक्स की जो वैल्यू है वो 1 आ चुकी है। अब हम इनको जो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे। तो ये देखें, एक थ्री माइनस एक्स, ये एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हमारे पास बॉक्स जो है वो 1 है और स्टार जो है वो 3 है, तो इससे क्या होगा कि बॉक्स प्लस स्टार जो है वो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारा इस रिडल का आंसर है 4। स्टूडेंट आप इस तरह का कोई भी रिडल हो जिसमें ऐसे अननोन वैल्यूज हों, तो आप उसको अलजबरा की टेक्निक से वेरिएबल लेट करके तो आप इसको आसानी हल कर सकते हैं। वेरिएबल ना भी लेट करें तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते थे, बक्स को बक्स के नीचे रख के, लेकिन वो ज़रा कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमने एक्स और वाई को ही यूज़ करना है, कोई नाम रख सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, एवरीथिंग।